हेलो एवरीवन क्या हाल चाल आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेर डिफरेंस बिटवीन अमेरफा सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेज तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन अमेरफा सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड वाट इज दमेरफा सॉलिड एंड वाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं देन इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में सॉलिड्स कैन बी क्लासीफाइड एज क्रिस्टलाइन आर अमेरफस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेकेंड देखिए अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूजली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ईच ऑफ देम हैविंग अ डिफिन कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्योमेट्रिकल शेप तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं फॉर ए लॉन्ग रेंज और अमेरफा सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स होता है फॉर ए शॉर्ट रेंज ऑफ चलिए अब हम एक फिगर के थ्रू इसको देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमेरफा सॉलिड्स क्या होती हैं देखिए यहाँ पर दो स्क्रीन पे दो शो हो, हो, हो रहे हैं फिगर ए एंड फिगर बी फिगर ए में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है और फिगर बी में पास सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है तो फिगर ए में देखिए जो एटम्स का अरेंजमेंट है दैट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड फिगर बी में एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो आपका रेगुलर अरेंजमेंट है बट शॉर्ट स्पेंड के लिए फिर उसके बाद इ हो जा रहा है तो यह फिगर से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और इ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है और इसको देख करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अमेरफस सॉलिड्स कौन से हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से हैं चलिए अब हम लोग पॉइंट बाईज डिटेल में स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन अमेरफस सॉलिड तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड शो कर रहा है और राइट हैंड साइड में अमेरफस सॉलिड्स के पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है कैसा होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ होता है तो इट हैज़ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर अ लॉन्ग रेंज जबकि हमारे सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है फॉर अ शॉर्ट रेंज अब तो इट हैज़ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर अ शॉर्ट रेंज सेकेंड पॉइंट देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं जबकि अमेरफ्रज सॉलिड्स को हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं सूडो सॉलिड इज आल्सो नोन ने सुपर कूल्ड लिक्विड तो कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज सूडो सॉलिड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड को हम लिक्विड क्यों बोल रहे हैं क्यों अगर आप ने कभी किसी ओल्ड बिल्डिंग के ग्लासेज वगैरह को आप देखिए तो देखेंगे कि बिल्डिंग ग्लास uh, का जो टॉप और बॉटम दोनों पॉइंट पे अगर आप उसके थिकनेस को अगर आप देखिए तो देखेंगे कि बॉटम साइड में थिकनेस ज़्यादा हो जाती है और टॉप साइड में थिकनेस कम हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो स्लोली फ्लो करते हैं ठीक है टॉप टू बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगा टॉप टू बॉटम की तरफ इनका फ्लो आएगा फ्लो होता है और धीरे धीरे इसका सेक्शन चेंज होने लगता है ठीक है तो इसलिए जो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो सेक्शन चेंज होता है तो उसको हम लोग जूडो सॉलिड बोलते हैं जबकि ट्रू सॉलिड्स में टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इट हैज ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो अगर सपोज दैट कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है अगर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री है तो इंटायर मटेरियल हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट कर जाएगा बट अगर कोई एमरफा सॉलिड्स है तो अमरफा सॉलिड्स में का कोई फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है रेंज ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर जबकि एमरफा सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं तो कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है वाट इज द एनाइसोट्रॉपिक एंड वाट इज द आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाई वर्चुअल सॉरी इन आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टी इज़ यूनिफॉर्म इन आल डायरेक्शन और एनसोट्रॉपिक मटीरियल एनआसोट्रॉपिक हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑल डायरेक्शंस में यूनिफॉर्म नहीं होते हैं अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और एम सॉलिड्स के तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर देखिए तो इसके एग्जांपल हैं एन ए सी एल सी एफ टू के सी एल एंड मेनीमोर इन द सेम वे अमरफा सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं रबर ग्लास प्लास्टिक प्लास्टिक एट्सेट्रा चलिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द आइसो और एन के बारे में अगर यहाँ पे देखिए दो फिगर्स शो हो रहे हैं स्क्रीन पे फिगर ए एंड फिगर बी फिगर बी में अगर देखिए अगर लाइन ए और बी का ओरिएंटेशन देखिए फिगर बी के अंदर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फिगर बी के अंदर ए और बी का देखिए ए पे सारे जितने भी हैं रेड पॉइंट से जो शो किए हुए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से आ रहे हैं और बी पे सारे के सारे आपके डिफरेंट कलर में पार्टिकल्स आ रहे हैं इट मीन्स दैट कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ठीक है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिल रही हैं जबकि अगर हम फिगर ए के अंदर देखिए तो अगर हम चाहे किसी भी डायरेक्शन में अगर देखें तो बहुत पार्टिकल्स आ रहे हैं ए टाइप अरेंजमेंट और बी टाइप अरेंजमेंट दोनों ही अरेंजमेंट्स आपको देखने को दोनों ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं इट मीन्स डैट कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो एनइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और जो आपके एमरफा सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं तो दोस्तों दिट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ अदर टॉपिक के साथ